तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ख़राब हुए हैं। मैं बता दूं कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, बट कहां से काटा मेरे बाइक में चुभ गए, तो पीछे का टायर पंचर हो गए। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूं, तभी इसको बनानी पड़ेगी। तो यहां पे लफड़ा हो गए हैं आज हमारे साथ, इसमें पंचर हो गए। ये इस टायर देखो, पूरा दब जा रहे हैं, पूरा पंचर हो गए। देखो यहाँ पूरा पतला हो गया, मतलब सब हवा निकल गए हैं यहाँ से देखो। तो अभी इतना दूर चल के जानी पड़ेगी हमको, फिर इसको बनानी पड़ेगी। देखते हैं कितना पंचर निकलती है, अभी चलते हैं। देख लो यहाँ पे टायर चेक हो रहा है, अभी तक पंचर नहीं निकला है, अभी चेक कर रहा है, निकलेगा तो दिखाएंगे। हवा ही शायद निकल गई, तो इसमें पंचर नहीं निकला। अब इसमें एक चीज़ चिपका देगा तो ठीक हो जाएगा। पहले जो पंचर था वही लीक कर रहा था, वही बना रहा है अभी यहाँ पे, और दूसरा पंचर नहीं निकला। देखो उसमें डाल रहा है, तो बन जाएगा। तो गाइस अभी आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम और बंटी हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि कल हम लोग का उसको कंपटीशन है रांची में, तो जानी पड़ेगी। तो कल 10 बजे निकलेंगे, तो अभी पहले हेयर कट करवा लेते हैं। और दुर्गा पूजा भी है, तो वहाँ पे पूजा हो रहे हैं, तो अभी नवरात्रा चल रहे हैं, बट मेला बाकी है, तो यही बाल का हेयर कट रहेंगे। तो अभी हेयर कट करवाते हैं, फिर दिखाते हैं हम लोग कैसा रहेगा। हम लोग यूट्यूब में खोज रहे हैं, गूगल में कैसा कैसा डिज़ाइन का कटाएँ, बट मिल नहीं रहा, फिर भी देख रहे हैं। ऐसे अभी अनूप का सैलून आ चुके हैं और बंटी का हेयर कट हो रहा है। अनूप काट रहे हैं, आप देखो ये डिज़ाइन का कट रहा है, इसका फिनिशिंग हो रहा है, थोड़ा सा तो हो ही गया है। अब इसका हुआ तो अब मेरी बारी। ये हेयर स्टाइल इसको अच्छा लगा तो यही कटा रहा है, तो अभी मेरी बारी है इसके बाद। गाइस अभी हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया, देख लो इतना मस्त से कटाए हैं, और बर्थडे का भी हो गया, तो अभी चलेंगे, गाड़ी मिल गया इधर, तो अभी गाड़ी से जाएंगे। गाइस तो गाइस अभी घर आ चुके हैं और वहाँ पे पूनम लिए आज दुर्गा पूजा में मेला में पहनने के लिए कपड़ा, तो अभी दिखाते हैं। हमारा मिट्टी का घर है, तो यहाँ पे काला काला दिख रहे हैं, पर फिर भी आप लोग को दिखाते हैं। बंडी थोड़ा उठना, लाइट मारो उधर, उधर लाइट दिखा रहे तो चमक रहे कपड़ा इतने सारे। ये कौन सा कपड़ा है पूनम? शरारा ली है, देखो ये है शरारा और उसका पजाम और उसका और सामान, ये सब ली है। और हमारी दो बहन है, तो पूनम शरारा ले लिए और रूपा भी ली है कुछ कपड़े। तो रूपा का कपड़ा कहाँ है? रूपा का कपड़ा नहीं मिल रहा, कहीं तो रख दी है, वो अभी नहीं दिखाना चाह रही है। तो अभी इतना सारा कपड़ा ले लिए, तो अभी चलेंगे हम और बंटी उधर नदी तरफ घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उधर खेत तरफ, तो हमारे साथ अभी बंटी है और राहुल फिर से, और फिर से हम लोग वही जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग हेयर कट करवा लिए, तो थोड़ा मस्त लग रहा है हम लोग को, आप लोग अभी मस्त लग रहे हैं देखने में, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। तो अभी चलेंगे उधर घूमने के लिए। अभी घूमने के लिए आ गए हैं और देखो यहाँ पे दूर दूर तक सब ग्रीन ग्रीन जिसमें दिख रहे हैं, उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा येलो येलो कलर का दिख रहे हैं, तो वो सब धान है और धान का छोटे छोटे फल है, उसको हम लोग बोलते हैं अनाज। तो अभी हम लोग इस तालाब में तो बहुत पानी रहते थे, बट अभी पानी बारिश आई थी तो यहाँ तक पूरा पानी आए थे, बट अभी एक थोड़ा भी पानी नहीं, थोड़ा ही बट। और अभी बंटी सब बहुत आगे चल गए हैं, तो अभी हम लोग चलेंगे घूमने के लिए उधर नदी की साइड, उधर आगे जाना पूरा वहाँ तक। और उधर भी बहुत सारे धान हो गए हैं, सब में वेलो वेलो आ गए हैं, तो धान के पौधे में समझ लो धान आ गए हैं। इधर दिवाली तक तो कटी हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पे एक बदलाव देखने को मिला गाइस, देखो इस खेत में लग ही नहीं रहा है कि अभी धान आएंगे, और इस खेत में देखो इतने बड़े बड़े धान आ गए हैं, देखो इतने बड़े बड़े धान आ गए हैं। तो इसमें उपजाऊ अच्छा हुआ है और इसमें कम उपजाऊ हुआ है, तो कम महंगा हुआ है ये धान, और ये सब ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, मतलब महंगा होगा थोड़ा, इसके कारण हो गए हैं ये, तो इतना बड़े बड़े हो गए हैं, बट इसमें हुए ही नहीं हैं। तो अभी और आगे का धान दिखाते हैं कितने बड़े बड़े हुए हैं। और इसमें देख लो गाइस उतना सारा खेत दिख रही है, इस समय इस साइड बहुत धान हो गए हैं, हमारे राइट साइड सब में धान आ चुके हैं, और इसमें तो बहुत थोड़े छोटे छोटे हुए, इस खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ, देखो इतना छोटे छोटे हैं अभी। तो इधर रास्ते नहीं हैं, तो हम लोग को इस आरे से गुजरनी पड़ती है, पतले पतले आ रही हैं इधर बहुत सारे, तो पूरा धान हो गए गाइस, देख लो इतने बड़े बड़े धान हो गए, इसको तोड़ते हैं, देखो इतने बड़े बड़े बाली आ चुके हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर धान निकलेंगे,
तो इसमें पूरा हो गए धान। इसको काटनी पड़ेगी एक दो महीने में, मतलब एक महीने में काटनी पड़ेगी, तो आगे की धान दिखती है। इसमें तो हुई नहीं है बट इसमें हो गई। तो कोई कोई धान अच्छे रहते हैं तो जल्दी हो जाते, कोई ख़राब रहते तो लेट से होते हैं। और आगे एक ही धान का मतलब एक ही खेत में दिख रहा होगा पीला पीला कलर का, तो उसमें अच्छे से फसल हुए। बाकी जितना दिख रहा है सब में ग्रीन ग्रीन ही अभी हुए हैं, तो अब ये सब में नहीं हो पाए हैं। तो देख लो अभी नदी आ चुके हैं, और मैंने बरसात के मौसम में आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ तक पूरा पानी आ गए थे यहाँ तक, बट अभी पानी है ही नहीं क्योंकि अभी बरसात का मौसम जा रही है। तो अभी ठंड की मौसम आ रही, तो इधर बरसात तो हो ही नहीं रहा, तो इधर बहुत थोड़े थोड़े पानी देखने को मिल रहे हैं। देखो इतना कम पानी, उधर तो पूरा ढक गए हैं। और इसमें मछली की बात करें तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। देखो इधर दिख रहा है लो मछली, किधर है किधर किधर, उधर मछली दिखा रहा है गाइस। देखो इधर बहुत बड़े बड़े मछली हो गए हैं वहाँ पे, देखो वहाँ पे जूम करके आप लोग देखो इतने बड़े मछली भाग रहे हैं स्पीड से। तो अगर हमारा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।